थिएटर में पॉपकॉर्न इतने महंगे क्यों होते हैं? कैसे ये बंदा बिना बिल पे किए महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में खाना खा लेता था? क्या हुआ जब उड़ते प्लेन की छत ही उड़ गई? और क्या हुआ जब इस फाइटर प्लेन के पायलट ने अपने ही जहाज में बॉम्ब गिरा दिया? और क्यों हर एक इंसान को भेड़िया होना चाहिए? मुकेश अंबानी के स्कूल की फीस कितनी है? कैसे इलॉन मस्क का बाप उसका बाप और जीजा दोनों लगता है? कैसे ये बंदा अपनी लग्जूरियस रॉल्स रॉयस को हमेशा के लिए भूल गया? और इन खुराफाती चीजों के बारे में आपको आज तक नहीं पता था? वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, तो इसको एंड तक देखना। मैं एम करता हूँ 10,000 लाइक्स का और 100K सब्सक्राइबर्स का। मुझे पता है आप कर दोगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर 15, उल्लू की टांगे बिल्कुल इंसानों जैसी होती हैं। हाँ, ये एकदम सच है। चलो दिखाता हूँ। आउल्स यानी उल्लू को आपने कभी ध्यान से देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि आउल्स की लेग्स कभी दिखती नहीं है और देखने पर लगता है कि इनकी टांगे भी चिड़िया जैसी छोटी छोटी होती हैं। लेकिन ये सच नहीं है। आउल्स फ्लफी होते हैं, इसलिए उनकी टांगे फेदर्स के पीछे छुप जाती हैं। और यहाँ तक कि इतनी लंबी टांगे आपने किसी भी और बर्ड की नहीं देखी होंगी सिवाय ऑस्ट्रिच के। इनकी टांगों को देखने के लिए इनके पंखों को ऊपर करना पड़ता है। अरे बड़ा कमजोर लेग पीस है। नंबर 14, इस इंसान ने आज तक किसी रेस्टोरेंट का बिल पे नहीं किया है, पर जाता हमेशा ये महंगे रेस्टोरेंट में ही था और वो भी बड़ी बड़ी पार्टियों को लेके। तो आखिर कैसे? दरअसल जब इन लोगों का खाना पीना हो जाता था और जब पेमेंट की बारी आती थी, तब ये इंसान अपनी जेब से एक चेक निकालता और उस पे बिल का अमाउंट भरने लगता। एंड जब वेटर देख ही रहा होता था, तभी ये बंदा उस चेक को पलट के पीछे ड्रॉइंग बनाने लगता था। क्योंकि यार कोई इंक्लूडिंग वेटर, रेस्टोरेंट का मालिक और वो बड़ी बड़ी पार्टियां सबके सब अच्छे से जानते थे कि कोई बेवकूफ होगा जो उस चेक को विड्रॉ करेगा, क्योंकि डाली के हाथ से बनी पेंटिंग उस चेक से ज्यादा कीमती है। मिलिए सल्वाडोर डाली से। ये वही बंदा है जो बर्लिन के मास्क पे भी है, इसीलिए तो। नंबर 13, आखिर ग्रेविटी कहाँ गई? ग्रेविटी गई ऐसी कोई चीज ही नहीं होती है। इस वीडियो में जैसे ही ये बंदा स्लिंकी को छोड़ता है तो वो ग्रेविटी को चकमा देते हुए हवा में ही रुक जाती है और तब तक नहीं गिरती जब तक स्लिंकी का ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले हिस्से से टकरा नहीं जाता। लेकिन कैसा? तो मैं आपको बता दूं कि ग्रेविटी ही सिर्फ एक अकेली फोर्स नहीं है, बल्कि दुनिया में कई तरह की फोर्सेज हैं, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, नॉर्मल फोर्स और ऐसे ही बहुत सारी फोर्सेज। वैसे ही एक फोर्स होती है स्लिंकी में, जिसे हम स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। मतलब स्प्रिंग को खींचने पर वो खुद भी अपने आप को अपनी तरफ खींचती है। अब इस वीडियो को ही देखो, जब ये बंदा स्लिंकी को छोड़ता है तो स्प्रिंग फोर्स की वजह से स्लिंकी का ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले हिस्से को अपनी तरफ खींचता है, साथ ही ग्रेविटी भी नीचे वाले हिस्से को अपनी तरफ खींचती है। अब इस अप डाउन फोर्स की वजह से स्लिंकी का नीचे वाला हिस्सा बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से वो हवा में ही रुक जाता है और तब तक नीचे नहीं गिरता जब तक स्लिंकी का ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले हिस्से से टकरा नहीं जाता। नंबर 12, ये जो आप देख रहे हो ना, ये कोई दीवार नहीं है मोटी सी, बल्कि ये है 4 अपार्टमेंट बिल्डिंग। हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, इस पतली सी बिल्डिंग के अंदर है 4 अपार्टमेंट्स और ये बिल्डिंग जापान के टोक्यो में है। इन अपार्टमेंट्स के अंदर जाने के लिए ये भूल भुलैया जैसी सीढ़ियां हैं, जो कि इतनी ज्यादा पतली हैं कि सिर्फ एक ही बंदा जा सकता है बस। और ये है इस अपार्टमेंट के अंदर जाने का पिद्दा सा डोर, और अंदर जाते ही सबसे पहले आता है ये वॉशरूम। और शावर लेने के लिए तो बस इतनी सी जगह है कि बस बंदा स्टैचू बनके ऐसे ही साबुन वगैरह लगा के रगड़ के नहा सकता है बस। और यहाँ पे तो बाथटब भी है, ये वाला, मतलब सुमड़ी में रह के बाथटब का मजा ले सकते हो एकदम चोरों की तरह। और फिर ये है इसका राह चलता किचन, मतलब एक इलेक्ट्रिक इंडक्शन चूल्हा दे रखा है बस, और बगल में है सिंक, बस यही है इसका किचन। और भाई फाइनली ये है इसका आलीशान सा लिविंग एरिया, यहीं पर आपको गद्दे लगा के सोना पड़ेगा। और ये है इसका पिद्दा सा टॉयलेट, मतलब बस बैठ सकते हो, हिल डुल भी नहीं सकते, एक ही पोजीशन में एकदम स्टिक होके करना पड़ेगा। और इस अपार्टमेंट का रेंट है $266, इससे आधे रेट में तो हमारे इंडिया में बहुत अच्छा फ्लैट मिल जाता है रेंट पे। क्या आप इसमें रहना चाहोगे? कमेंट्स में बताना। नंबर 11, ये बोट्स मिलकर एक आइलैंड को धक्का मार रही हैं, जिसे देखकर पहले तो मुझे लगा कि शायद इन लोगों ने माल फूंक कर कोई मोटिवेशनल वीडियो देख ली होगी। आसान है। लेकिन ऐसा नहीं है, दरअसल ये अमेरिका की चिपेवा झील में बना फ्लोटिंग आइलैंड है, जो कि दलदल से बना है, जिसे वहाँ के लोकल्स हर साल धक्का मारकर झील में एक तरफ सरका देते हैं, बिकॉज ये आइलैंड बहते बहते उस इकलौते ब्रिज को तोड़ने पहुँच जाता है जो कि दो मेन इलाकों को आपस में जोड़ता है। और 1923 से ये आइलैंड इस ब्रिज को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार लोकल्स इसका मिशन नाकाम कर देते हैं। नंबर 10, जैसे ही इस फाइटर प्लेन ने उड़ान भरी तो पीछे से एक अजीब सी चीज गिरा दी और ये देखते ही शिप क्रू मेंबर्स की बुरी तरह फट गई, क्योंकि ये चीज जो प्लेन ने गिराई वो एक बॉम्ब था, जिसे पायलट ने अपने ही जहाज पे गिरा दिया।
मगर किस्मत से इसका प्रेशर स्विच दबा नहीं और ये बॉम्ब फटा नहीं, जिसके बाद क्रू मेंबर्स ने पायलट की माँ बहन को याद करते हुए कांपते हाथों से इसे समंदर में विसर्जित कर दिया। नंबर 9, इसीलिए हर एक इंसान को भेड़िया होना चाहिए। और ये फैक्ट्स जानकर शायद भेड़िया आपको भी अच्छा लगे। सबसे पहले आपको सर्कस में शेर, चीता, हाथी सब नाचते हुए दिख जाएंगे, लेकिन भेड़िया नहीं, क्योंकि यूजुअली वो पालतू नहीं बनता। लड़के मर जाएगा, गुलामी नहीं करेगा। भेड़िया अपनी जिंदगी फुल डिसिप्लिन और असूलों के साथ जीता है। भेड़िया अपने से बड़े भेड़ियों की हमेशा रिस्पेक्ट करता है और अपने से छोटे भेड़ियों को कभी डराता नहीं है। नेक्स्ट, भेड़िया हमेशा एकदम फ्रेश ताजा गोश्त खाता है, पुराना खराब मीट नहीं। नेक्स्ट, भेड़िया कभी भी अपने माँ बाप को छोड़कर नहीं भागता, बल्कि उनकी देखभाल करता है और इज्जत भी करता है। और बुढ़ापे में जब वो शिकार नहीं कर पाते तो खुद उन्हें खाना ला कर देता है। भाई बहनों को अच्छे से पहचानता है और उनसे शादी भी नहीं करता बाकी जानवरों की तरह। भेड़िया अक्सर एक से ही शादी करता है और जिंदगी भर उसी के साथ रहता है। और इवन कि उसका साथी मर भी जाए या बच्चों को छोड़ के चला जाए तो उसके बच्चों की देखभाल करता है। इसीलिए तो मुझे भेड़िया बहुत पसंद है। नंबर 8, मैं अपना नाम भूल सकता हूँ लेकिन ये कभी नहीं भूल सकता जो ये आदमी भूल गया। दरअसल ये है रिचर्ड हैरिस, जिन्हें आप बचपन से जानते हो। हाँ, वही हैरी पॉटर के ज्ञानचंद बाबा प्रोफेसर डंबलडोर। इन्होंने एक बार एक मूवी में काम किया जिसके बदले इन्हें पैसों की बजाय एक लग्जरी रोल्स रॉयस कार दी गई। लेकिन ज्ञानचंद को दारूबाजी का बहुत शौक था, तो एले जडली जब इन्हें वो लग्जरी कार मिली तो रात में इन्होंने उसे पार्किंग में ले जाकर खड़ा कर दिया और फिर दैक खंबे पे खंबे चढ़ाते गए, जिससे इतनी झाई हो गई कि ये अपनी रोल्स रॉयस को हमेशा के लिए भूल गए। लो खल्लो बात, हम आपको गुड मॉर्निंग कहने आए और आप अभी तक सो रहे हो। और पूरे 25 साल वो कार उसी पार्किंग में खड़ी रही और पार्किंग की टोटल फीस अब तक 3,40,00,000 रुपीस हो चुकी थी, जो कि इनके मरने के बाद इनकी एक्स वाइफ से मांगे गए। नंबर 7, जिस स्कूल में अमिताभ बच्चन की पोती जाती हो, जिस स्कूल में शाहरुख खान का बेटा जाता हो और जिस स्कूल में तैमूर जाता हो, सोचो वो स्कूल कैसा होगा। ये स्कूल किसी ऐसे वैसे आदमी का नहीं है, ये स्कूल भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी का है, जो उन्होंने अपने पिता धीरू भाई अंबानी की याद में बनाया है। तो चलो आज मैं आपको इस स्कूल के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ। इस स्कूल में टोटल 1087 बच्चे हैं और टोटल टीचर्स हैं 187, यानी स्टूडेंट टीचर रेशियो है 6:1। हर 6 स्टूडेंट्स पे एक टीचर है। इस स्कूल की ड्रेस डिजाइन की है मनीष मल्होत्रा ने, जिसके 5,50,000 की तो लहंगे आते हैं। इस स्कूल की कैंटीन का मेन्यू डिजाइन किया है शेफ संजीव कपूर ने। और इस स्कूल की जो प्रेयर होती है उसके लिरिक्स लिखे हैं जावेद अख्तर ने। और इस स्कूल की प्रेयर का जो म्यूजिक है वो कंपोज किया है शंकर एहसान लॉय ने। तो भाई ये वही स्कूल है जिसपे स्टूडेंट ऑफ द ईयर जैसी मूवीज बनती हैं। और ये है इस स्कूल का फीस स्ट्रक्चर, जिसे आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। नंबर 6, क्या कभी आपने सोचा है कि जब आप कॉर्न यानी भुट्टा खाते हो तो वो आपके पूप में पूरा ही निकलता है, मतलब आप उसे पूरा निगलते तो नहीं हो, तो फिर ऐसा क्यों होता है? वेल, कॉर्न के बाहर का शेल एक टफ प्रोटेक्टिव फाइबर से बना होता है और हम ह्यूमंस के पास उसको कम्प्लीटली ब्रेक डाउन करने के लिए एंजाइम्स नहीं होते। तो जब हम कॉर्न का अंदर वाला पार्ट डाइजेस्ट कर लेते हैं तो बाहर की लेयर टचड़ी आपके पेट से पास हो जाती है, इसीलिए तो कॉर्न के टुकड़े पूप में साबुत नजर आते हैं। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। नंबर 5, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि एलन मस्क अपने ही बाप का साला है। What? हाँ मेरे दोस्त, वो अपनी ही बहन का मामा है। कैसा? अरे इतना ही नहीं, एलन मस्क का बाप उसका बाप और जीजा दोनों लगता है। अरे कहना क्या चाहते हो? रिसेंटली एलन मस्क के फादर ने बताया कि वो अपनी ही बेटी की बेटी के पिता हैं। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। एलन मस्क के फादर ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी स्टेप डॉटर उनके बच्चों की माँ है। ये कैसे हो गया? यानी एलन मस्क अपनी ही बहन के बेटे और भांजे के भाई हैं। और इन सब में एलन मस्क के पापा की स्टेप डॉटर यानी मेरा मतलब एलन की माँ, मेरा मतलब एलन की स्टेप सिस्टर, ये बोलती है कि वी आर ऑन अर्थ जस्ट टू रिप्रोड्यूस। हाँ ये कर लो पहले। अब देखो, इसमें बुरा मानना या ऑफेंड होने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन एलन मस्क के बाप ने सच में एलन मस्क की माँ बहन एक कर दी। देखो अब मुझे बाकियों का तो नहीं पता, लेकिन एलन मस्क का परिवार मार्स पे जाने के लिए पूरी तरह से रेडी है। नंबर 4, क्या हुआ जब उड़ते प्लेन की छत ही उड़ गई? ये घटना है 28 अप्रैल 1998 की, जब गेल यामामोटो नाम की पैसेंजर अलोहा एयरलाइंस की फ्लाइट 243 में बोर्ड कर रही थी। तो जब वो प्लेन में एंट्री कर रही थी तब उसने प्लेन की राइट साइड की विंडो पर एक 4 इंच का क्रैक देखा, जिसे देखकर वो घबरा गई और उसे शक हुआ कि कहीं इस क्रैक की वजह से हवा में प्लेन के साथ कोई बड़ी घटना ना हो जाए। लेकिन ये सोचकर कि शायद एयरपोर्ट स्टाफ को इसकी जानकारी पहले से होगी, इसीलिए वो किसी भी एयरपोर्ट स्टाफ या क्रू मेंबर
नंबर से इसकी शिकायत नहीं करती। इस फ्लाइट ने हवाई के हीलो से होनोलुलु के लिए उड़ान भरी थी। अभी प्लेन को उड़ते हुए सिर्फ 20 मिनट ही हुए थे और वो 24,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। तभी अचानक से पैसेंजर्स को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और हवा के प्रेशर से जोर का धमाका होता है। इस धमाके से प्लेन की छत का 35 फीट का हिस्सा टूट कर हवा में उड़ जाता है। इसके साथ ही एक एयर होस्टेस क्लारा बेल लैंसिंग, जो कि 5th रो सीट्स के पास खड़ी थी, हवा के प्रेशर से प्लेन के बाहर उड़ जाती है, जिसकी बॉडी कभी नहीं मिल पाई। प्लेन पूरी तरह से अनबैलेंस हो चुका था। पैसेंजर्स ने सीट बेल्ट लगाई हुई थी, जिसकी वजह से वो प्लेन के नीचे गिरने से बच गए। प्लेन के पैसेंजर्स के लिए ऑक्सीजन का कोई प्रबंध नहीं हो पाया, क्योंकि ऑक्सीजन मास्क भी छत के साथ ही उड़ गए थे। इस सब के बावजूद पायलट ने बड़ी होशियारी दिखाते हुए प्लेन को माउई के कहलुई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंड करवाया। इस हादसे में टोटल 65 पैसेंजर्स इंजर्ड हुए, जिसमें से 8 की इंजरीज सीरियस थी और एक एयर होस्टेस की डेथ हो गई थी। इस वीडियो में आप इस प्लेन की असली तस्वीरें देख सकते हो, जो देखने में एक भयानक घटना का एहसास करवाती है। नंबर 3, इस खतरनाक वायरल वीडियो में एक फ्लेमिंगो ने दूसरे फ्लेमिंगो के सर में अपनी चोंच घुसा दी है और अपने बच्चे को आराम से खून पिला रहे हैं। मुझे भी ऐसा ही लगा पहली बार देखने पर, लेकिन जो आपको ये लाल लाल दिख रहा है वो ब्लड नहीं है। दरअसल पेरेंट्स फ्लेमिंगोस के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ये रेड क्रॉप मिल्क बनता है। आसान भाषा में कहें तो ये लाल लाल दूध है, जो कि माँ और बाप दोनों फ्लेमिंगोस के पेट में बनता है। फिर ये उल्टी करके इस दूध को अपने बच्चों को कुछ इस तरह से पिला देते हैं। नंबर 2, एयर बैग जान बचाने की बजाय जान ले भी सकता है। अगर आपने ये गलतियां की तो सबसे पहले हम कार के डैशबोर्ड पर कभी मोबाइल, कभी पानी की बोतल या ऐसे पैर रखकर बैठ जाते हैं। फिर जैसे ही इमरजेंसी में एयर बैग ओपन होगा तो वो कुछ ऐसा हाल करेगा, और मोबाइल या बोतल डैशबोर्ड पर होती तो फेस पर भी लग सकती थी। दूसरी और सबसे बड़ी गलती है सीट बेल्ट ना लगाना, क्योंकि एयर बैग 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ओपन होता है और सीट बेल्ट ना होने से एयर बैग ओपनिंग के दौरान ही आपके फेस से टकराएगा, जिससे जान भी जा सकती है। हालांकि सीट बेल्ट होने से एयर बैग पूरा ओपन होने के बाद ही आपसे टकराएगा, जिससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि पूरा ओपन होने के बाद इसके पीछे से हवा निकल जाती है, जिससे ये सॉफ्ट हो जाता है। नंबर 1, क्या कभी आपने सोचा है कि जब आप थिएटर्स में फिल्म देखने जाते हो तो वहाँ पर पॉपकॉर्न का प्राइस इतना महंगा क्यों होता है? एक सिंपल रीजन तो ये है कि अगर पॉपकॉर्न का प्राइस बढ़ाने की जगह मूवी की टिकट का प्राइस बढ़ा देंगे तो सिनेमा में कम लोग मूवी देखने आएंगे। लेकिन इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट रीजन थिएटर्स के बिजनेस मॉडल से रिलेटेड है। थिएटर्स को अपनी टिकट सेल का कुछ परसेंट पैसा एक्चुअल में फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस को देना पड़ता है, तो फर्स्ट वीक की कलेक्शन का 50% पैसा इन फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाता है। अब क्योंकि ये मल्टीप्लेक्सेस टिकट सेल से ज्यादा पैसा नहीं कमा पा रहे, तो ये पैसा कमाने के दूसरे जरिए ढूंढते हैं, जैसे कि पॉपकॉर्न। एक और इंटरेस्टिंग रीजन ये है कि अगर पॉपकॉर्न को सस्ता बना दिया तो ज्यादा लोग पॉपकॉर्न को खरीदना चाहेंगे, जिससे ज्यादा काउंटर्स की जरूरत पड़ेगी और ज्यादा स्टाफ मेंबर्स की भी, यानी कि थिएटर्स को उल्टा और खर्चा उठाना पड़ेगा। इसका सिंपल सॉल्यूशन यही है कि पॉपकॉर्न का प्राइस ज्यादा रखो, ताकि कम लोग खरीदें लेकिन कुछ पैसा भी कमाया जा सके। तो ये वीडियो यही एंड होती है। कितनी कमाल की वीडियो थी ना, अब इसको लाइक कर दो, अगर कर दिया है तो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि इससे भी और अमेजिंग वीडियोस आने वाली हैं। और अगर सब्सक्राइब भी किया हुआ है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ये दो वीडियोस भी देखना, ये भी काफी अमेजिंग है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप द नॉलेज।